क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट होगा, डिस्टेंस के साथ में चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक, इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल द डिपेंडेंस ऑफ इट्स स्पीड वी ऑन द डिस्टेंस एक्स ट्रेवल्ड बाई इट इज करेक्टली गिवन बाई, ये चार ग्राफ दिए गए हैं है ना, तो वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन अगर हमें पता होगा तो ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कॉन्स्टेंट होगा। एक्सेलरेशन आएगा फोर्स क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और ये एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि चार्ज मास दोनों कॉन्स्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो तो वी और एक्स को रिलेट करने के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ठीक, यू जो है वो जीरो है, कहा गया है कि ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट से छोड़ा गया था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो फाइनल रिलेशन आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स है ना, ए जो है वो कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए के जगह पर, एक्सेलरेशन के जगह पर क्यू ई बाई एम रखेंगे इंटू एक्स, तो ये रिलेशन आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू ई बाई एम इंटू एक्स, जिसमें से ये टर्म कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो अगर हमें वी और एक्स ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें समझना होगा कि एक ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है ना, और ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा इसका, वैसा ही ये भी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो ये भी पैराबोला जैसा ही आना चाहिए। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है अगर इस पर वाई लेंगे इस पर एक्स लेंगे तो इस तरह का ये ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है इसका, तो यहाँ पर जो है वाई के जगह पर वी है और एक्स के जगह पर एक्स ही है, वैसा ही यहाँ पर प्लॉट किया गया है। तो देखेंगे एक्स और वी का ग्राफ वैसा ही यहाँ पर दिया गया है, नीचे वाला ग्राफ नहीं दिया गया है क्योंकि एक ही एक्स पोजीशन पर दो दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक, इसीलिए नीचे ग्राफ नहीं दिया गया है, केवल ऊपर वाला ग्राफ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जैसा ये ग्राफ था वैसा ही ग्राफ ये आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा, बाकी जो है वो गलत ऑप्शन है।